स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस समय मॉडल पेपर है आपका 2019 का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। पेपर आपका वन है और ये है आपका पार्ट टू। पेपर वन यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बारे में। और इस समय मैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में आपका जो प्रश्न पत्र निर्माण को लेकर के जो ब्लूप्रिंट वगैरह है, उत्तम परीक्षण, इन सभी के बारे में अकेडमी पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका संस्कृत का सिलेबस कम्प्लीट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट वन में 1 से 30 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी। और एक चीज़ मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ये सवाल आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अभी मैंने वन लाइनर, आप इसको मानिए, वन लाइनर भी आपकी एक तरीके से काम करेंगे, क्योंकि मैं आंसर भी दे रहा हूँ इसमें आपका। अभी तक क्या था, मॉडल पेपर में बताता था उसमें आपके आंसर्स जो है बहुत कम होते थे या ना के बराबर होते थे, कुछ सब्जेक्ट्स के होते थे। मैं आंसर भी दे रहा हूँ, तो आप इसको वन लाइनर भी कंसिडर करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आपको खुद ही पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और ये क्वेश्चंस इन्हीं में से आपको जो है देखने को मिलेगा देन, ठीक है। तो हर एक तरीके से 2017 से जैसे आपका जो पूरी तरीके से डीएलएड न्यू बैच के साथ में चला आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी आपका, बिल्कुल वैसे यहाँ भी चल रहा है। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा औरों के साथ में भी भाई, जिससे उनकी भी हेल्प होती रहे। यहाँ पर 31st नंबर क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये रॉस महोदय का है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। इसमें कहते हैं कि वह एक ऐसी पुस्तक है, जब आप स्टूडेंट को लेकर के बात करते हो, जिसका अध्ययन आद्य और अंत, जी हाँ, शुरुआत को लेकर के और अंत तक शिक्षक कक्ष में कर रहा होता है, ठीक है। या आप पुस्तक कैसे पढ़ते हो, आप अंत से तो शुरू नहीं कर देते हो ना, वो बात अलग हो गई कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आप कहीं से भी आंसर देना शुरू कर देते हो, ठीक है। जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखें और कैसे लिखोगे आप, जो है जिस तरीके से आप लिखोगे फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिख के आओगे ना, तो आपको रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेगा कि आपके जो है मार्क्स कितने अच्छी तरीके से वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई लिखने के लिए तो सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी होगा, तो सबसे पहले तो हम इनको पढ़ लेते हैं। तो आप बुक्स को स्टार्टिंग से जिस तरीके से लेकर के अंत तक पढ़ते हो, बिल्कुल वैसा ही आपका जो बालक है उसको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, ये स्टेटमेंट मतलब एक पुस्तक बोला है जो है बालक को रॉस महोदय ने। सेकंड आपका है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, मतलब जो भी आपके पर्सनैलिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आप सभी का अध्ययन कर रहे होते हो। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका परीक्षण आता है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, फिर आपका मापन आता है, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा भाई। तो अभी क्या है, परीक्षण आप टेस्ट होगा, फिर मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के अंतर्गत आपका मापन और परीक्षण दोनों आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे पिताजी मूल्यांकन हो गए और उनके दो बच्चे जो है, दो लड़के, मापन और परीक्षण है, बिल्कुल वैसा ही आप याद करिएगा, ठीक। तो मापन क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप अध्ययन कर रहे होते हो, जबकि परीक्षण मूल्यांकन में क्या करोगे, कई सारे व्यक्तियों का व्यक्तित्व का जो है आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो, और वो आपका व्यापक मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है, तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, आपके 6 स्टेप्स जो है संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें से आपका 3 ये देखने को मिलेगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक है और अनुप्रयोग वाली बात। 34 नंबर सवाल है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, सत्र के अंत, ध्यान दीजिएगा, सत्र के मध्य और नित्य प्रति किए जाने वाला जो मूल्यांकन होता है। अब देखिए, सतत मूल्यांकन एक कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन किसे आप बोलते हो, आपका जब सेशन खत्म हो जाता है, सेशन आपके यहाँ सत्र मूल्यांकन कब होता है, आप सत्र मतलब आपके यहाँ तो छमाही मूल्यांकन होता है, तो आप छमाही बोल दोगे, है ना, सत्र के मध्य में। अब ये जो आपका है वो सत्र के मध्य में होता है, क्योंकि छमाही हो रहा होता है आपका। एक आपका जो सालाना, आप देखिए जैसे आपने हाई स्कूल की दी होगी परीक्षा, आप इंटरमीडिएट में सालाना वाले में देखने को मिलता है ना, आपने बीए वगैरह दिया होगा या जो बीटेक वाले हैं जो भी हैं, तो बीटेक वाले में भी छमाही और सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो ऐसे में क्या है, ये आपका सत्र के मध्य और सत्र के अंत में या नित्य प्रति किए जाने वाला जो आपका मूल्यांकन होता है, मतलब आपका वो चलता ही रहता है, कभी मध्य में होगा कभी नित्य वाले उसमें, तो सतत मूल्यांकन होगा आपका, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कहलाएगा। दोस्तों अभी सुबह मैंने वीडियो डाला था आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो अभी कोई परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है, कल तक में डेट शीट देने को बोली है, देखते हैं क्या कुछ होता है। शाम को आपकी लाइव क्लास है 7:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर, तो वहाँ पर आपसे मुखातिब होते हैं, आपके जो भी सवाल हैं वहाँ पर आप अपने रखिएगा सवाल, ठीक है, उनके आंसर्स हम वहाँ पर देंगे पूरी तरीके से। और आपकी जो भी डेट शीट है या जो भी चीज़ें हैं कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, आपके सरकारी कॉलेजों ने मना कर दिया है, क्या कुछ होना है, जो भी चीज़ें हैं सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो सेंटर आप प्राइवेट में जाएगा नहीं जाएगा, वो सभी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये ग्रीन महोदय का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भाई। आप मूल्यांकन उसी को बोलते हो कि कितना कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर पाए आप, है ना, कितना कुछ लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाए, उद्देश्य ये था, कितना कुछ आप प्राप्त कर पाए या फिर प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ये जो है ग्रीन महोदय का है। विज्ञान, भूगोल, कृषि जो विषय होते हैं ये आपके प्रायोगिक मूल्यांकन होते हैं। इसके पहले ही जो पार्ट वन था, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं पूरी तरीके से ऐसे ही, ठीक है। तो सैद्धांतिक या प्रायोगिक मूल्यांकन है, प्रयोग के आधार पर आप जो है विज्ञान, भूगोल और कृषि के विषय को लेकर के आप बात करते हो। आपने विज्ञान में टेस्ट ट्यूब जो परख नली वगैरह आपने सब देखा होगा जो है ना। उत्तम परीक्षण की विशेषताएँ क्या होती हैं दोस्तों, अभी उत्तम परीक्षण ही मैं बता रहा था आपका कि उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं होती हैं, एक आपका तकनीकी विशेषता है, एक आपकी व्यावहारिक विशेषता है। अब उसी तकनीकी विशेषता में कई सारी विशेषताएँ हैं और व्यावहारिक में कई सारी विशेषताएँ हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें तो आपका जैसे तीन ही लिखा हुआ है, आप कई सारे बता सकते हो, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तकनीकी विशेषताएँ आप दो तरीके से लिखिए, दो तरीके से, पहली आपकी तकनीकी टेक्निकल जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरी आपकी प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स। तकनीकी में आपका मानकीकरण हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, विश्वसनीयता हो गया, रिलायबिलिटी जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। आप वैधता को लिख सकते हो, आप मानक को लिख सकते हो, विशिष्टता, विवेदकारिता हो गया। वहीं जब व्यावहारिक विशेषताओं की बात करोगे तो उसमें सक्षमता की बात, मितव्ययिता, उपयोगिता, व्यापकता, उद्देश्यपूर्णता, सभी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है एन अकेडमी पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से सबको आप पढ़ सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, देखिए आपकी पूछी गई हैं, ठीक है, तो वहां से आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने नोट्स बनाए हैं। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा, उसके बाद आप जो है PDF फाइल को डाउनलोड कर पाओगे वहां से, ठीक है। 38 नंबर है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है तो बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में आप जो है टोटल जो भी उनका नॉलेज है उसका आप इवैल्यूएशन कर रहे होते हो। भावात्मक पक्ष क्या है, बच्चों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित जो मूल्यांकन का पक्ष होता है। अब देखिए भावात्मक, आपके भाव से रिलेटेड जो संवेग है, इमोशंस हैं, मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ, ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम भाव, घृणा, वात्सल्य, सारी चीज़ें क्या हैं। अब ऐसे में वात्सल्य तो चलिए माता का वो हो गया गुड़ जो है, अब बच्चों में क्या कुछ है ना, कि गुस्सा करना, हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सारे क्या हैं संवेगों को लेकर के, उनका इंटरेस्ट किस में है, खेलने में है, कहानियाँ सुनने में है, किस में है, पढ़ने में है, वो सारी चीज़ों को आप भावात्मक पक्ष के तहत लेकर के बात करोगे। देखिए ब्लूप्रिंट पूछ लिया है और ब्लूप्रिंट के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, आज ही मैंने पढ़ाया है अकेडमी पे कि ब्लूप्रिंट का संबंध है किस से। आपको मैं बता दूँ, प्रश्न पत्र के निर्माण की आधारशिला है। एक लाइन जरा कंठस्थ कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, आपका बेस है क्या है, बेस है जब आप क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने जाते हो, बनाने जाते हो, ठीक है। तो प्रश्न पत्र के निर्माण से आपका संबंधित है ब्लूप्रिंट। निर्माण के कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसी में आपका एक ब्लूप्रिंट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप कोई बिल्डिंग अगर बनानी है आपको, तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हो उसका, कि बिल्डिंग में बनेगा क्या, आपका एस्केलेटर कहाँ पर होगा, है ना, लिफ्ट वगैरह जो बोलते हो आप, सीढ़ियाँ कहाँ पे होंगी, ये रूम यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले एक ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हो। एंड आफ्टर दैट आप जो है उस पर काम करते हो फिजिकली, सही तरीके से, भौतिक रूप से। 41 में उपचारात्मक शिक्षण से क्या संबंध है, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। आप सबसे आपको मैं बता दूँ, ये आपका रेमेडियल टीचिंग हुआ, निदानात्मक और उपचारात्मक। निदान करते हो आप, निदान मतलब होता है पहचान करना समस्या का, और उपचार मतलब होता है उनकी कमियों को दूर करना, बच्चों की जो भी कमियां हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है वो क्या करता है भाई, सबसे पहले जो मरीज़ आता है उसको पहले वो निदान करता है, वो देखता है कि इसमें समस्या क्या है, डायग्नोस करता है, ठीक है। जो बीमारी अगर उसको पता लगती है फिर उस बीमारी का वो इलाज करता है, बिल्कुल वैसा ही आपका बच्चों की त्रुटियों को दूर करना। एक अगर विशिष्ट बालक है तो क्या कुछ उसमें कमियाँ हैं उसको वो दूर करेगा। यहाँ पर रॉस महोदय का एक स्टेटमेंट है, इसको ज़रा ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा कि बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है रॉस महोदय का, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बचाव जो है निदान का उच्चतम स्तर है, ये स्टेटमेंट है किसका, तो ये रॉस महोदय का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 43 नंबर में क्या है लिखा है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किसके अनुसंधान का प्रयोग किया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये स्टीफन एम कोरे। जल्दी ही हम क्रियात्मक शोध पर पहुंचेंगे, मैंने शुरू कर दिया है आपका अनअकैडमी पर, सारी चीज़ें मैं बात करूंगा कि हाउ यू विल डिफाइन एन एक्शन रिसर्च, आपका क्रियात्मक शोध होता क्या है।
आप क्रियात्मक शोध कहते किसको हो, उन सभी के बारे में। तो क्रियात्मक शोध के जो जन्मदाता हैं, जो पिता हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, फादर ऑफ एक्शन रिसर्च, वो हैं स्टीफन एम कोरे। और शैक्षिक क्षेत्र में जो अनुसंधान का प्रयोग किया है उसी को इन्होंने क्रियात्मक शोध का नाम दिया है, ठीक है। 44 से क्रियात्मक शोध करने का अधिकार जो है, कौन अधिकारी होता है इसका, तो शिक्षक होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, छात्रों तथा MBBS सभी को है। देखिएगा, एक्शन रिसर्च सभी के द्वारा किया जा सकता है, शिक्षकों की बात हो, प्रधानाध्यापकों की बात हो, आपका छात्र हैं MBBS जो भी हैं आपके, सॉरी यहाँ पर मैंने MBBS पढ़ दिया गलती से, ABSA जो BSA की बात है वहाँ को लेकर के बात हो रही है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, वो तो आपका मेडिकल का एरिया हो जाएगा, है तो शिक्षा का ही लेकिन मेडिकल का एरिया हो जाएगा। क्रियात्मक शोध में जो है शोधकर्ता होता है, ध्यान दीजिएगा, जो शोधकर्ता है वो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। आपका शिक्षक और छात्र दोनों है ना, तो उत्पादक उपभोक्ता दोनों को लेकर के ऐसे उसमें बात करेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ाने वाले हैं जल्दी ही, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पर भी क्रियात्मक शोध को पढ़ा दूँ, ठीक है। स्टीफन एम कोरे, उसके बाद है आपका भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, तो 2009 में शुरू हुआ था, डेट है आपकी, ठीक है। आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, भाई इसको CCE के नाम से भी जानते हैं, आपका हो सकता है दे दे CCE क्या है, तो बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सॉरी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही है ये आपका। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक प्राप्त करना क्या होता है, वो आपका मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। आपको मैं बता दूं, 60 अंक मतलब ये है कोई भी चीज़ अगर परिमाण में है, अगर अस्तित्व में है, तो उसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। आप बोलते हो कि अस्तित्व में है, मैकॉल महोदय का स्टेटमेंट है जो मैंने बोला अभी, अगर अस्तित्व में है तो आप मापन कर सकते हो, आपका वेट है, आपकी हाइट है, आप अस्तित्व में हो ना, मतलब आपको लोग छू भी सकते हैं, आपको देख भी सकते हैं, आपका अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है, ठीक, तो आपका मापन हो सकता है, ठीक है। आप कितने मोटे हो, कितने पतले हो, सारा चीज़ों सबका मापन हो सकता है। तो ऐसे ही जो ये चीज़ें होती हैं अंकों को लेकर के, जो मात्रात्मक बातें हैं वो मापन के तहत ही देखने को मिलती हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, BS ब्लूम महोदय थे, इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ आपका। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आपका संज्ञानात्मक और जो आपके पक्ष थे लेकर के हम बात कर रहे थे ना, क्रियात्मक कौशलात्मक, उसी में आपके BS ब्लूम महोदय देखने को मिलते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी आपकी, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम। इसमें लिखा है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या है, तो उदाहरणात्मक प्रश्न होते हैं आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न के, अगर परीक्षण के प्रश्नों को लेकर के आप बात करोगे तो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। पाठ्यक्रम की व्यापकता, आपको मैं बता दूं, जब वस्तुनिष्ठ को लेकर के आप बात करोगे तो पाठ्यक्रम की व्यापकता वाली जो बात है, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड तौर पे, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर के बात करते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं, ठीक है। ये सारे प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और जल्दी ही फिर से हम बात करेंगे इनके बारे में कि प्रश्नों के प्रकार क्या हैं, कैसे आप वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक और लघुतरीय प्रश्नों के बारे में आप बात करते हो। यहाँ पर है समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये लक्ष्य किसका है। देखिएगा, क्रियात्मक शोध आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपका चैप्टर का जो नाम है ना, सॉरी सब्जेक्ट का, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध है, तो क्रियात्मक शोध आपका देखिए कितने सारे सवाल आपके पूछे गए हैं। और जरा आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, यही सवाल आपके जो है आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो आएगा पेपर उसमें भी यही सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। भरोसा रखिएगा, चीज़ों को बस पढ़िए और शेयर करते रहिएगा बाकी लोगों के साथ में भी। तो क्रियात्मक शोध का ही भाई ये आपका नारा है, एक तरीके से कह सकते हो लक्ष्य है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग जो है इनमें क्या है, तो अधिगम अनुभव आपका अंग होता है शैक्षिक मूल्यांकन का। आगे देखते हैं इसमें, परिकल्पना क्या है, तो समाधान के पूर्व का अनुमान, हाइपोथेसिस करते हो ना आप, परिकल्पना करते हो। पार्ट वन में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल आपका क्रिएट किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, तो टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाओगे ना, तो वहाँ पर मैं जो अनअकैडमी के लिंक्स हैं सीधे, वो और PDF फाइल्स वगैरह आप सीधे फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम वाले लिंक से आप ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक, नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ओके। समाधान के पूर्व का अनुमान है आपका, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है, तो मापन का सामान्य सिद्धांत आपका मैथमेटिक्स से होता है, क्योंकि आप क्या करते हो मापन में, अरे गणितीय चीज़ों को ही तो देखते हो। अभी देखा ना 60 अंक थे उसके, तो 60 किस में आएगा, गणित में ही आएगा ना आपका। 57 नंबर में मापन के नहीं, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, स्टेटमेंट आपका एस एस स्टीवेंस महोदय का है, या स्टीवेंस करके बोलते हैं इनको।
58 में है शैक्षिक उद्देश्य के अंग, तो बालक समाज और विषय वस्तु ये आपके शैक्षिक अंग के उद्देश्य होंगे। कहने का मतलब ये है जब आप एजुकेशनल चीज़ों को लेकर के बात करते हो, कौन कौन आएगा उसमें, बालक भी होना चाहिए, विषय वस्तु भी होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए, उद्देश्यों को लेकर चूँकि बात की है। शिक्षा का होता तो हम कह देते शिक्षक शिक्षा, और आपका क्या होता, शिक्षक होता है और बालक होता है और कौन होता है, विषय वस्तु। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक और क्रियात्मक, या क्रियात्मक को आप कौशलात्मक भी बोलते हो। 60 नंबर सवाल है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो है आपका इसमें शामिल नहीं होगा। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट से वेरी शॉर्ट यानी कि जो अति लघु हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव उनसे रिलेटेड। इसका जो अगला पार्ट है आपको जल्दी ही मिलेगा, कंप्यूटर का मॉडल पेपर मैं बता रहा हूँ, उसका भी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है जो नए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर, प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी वीडियोज लेसन में अपलोड करूँगा। टेलीग्राम चैनल को आप जो है जुड़ जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।